कुछ चीजों का भी शो मत करना, शो करके मत करना, ध्यान शो करके मत करना, पढ़ाई शो करके मत करना। अगल बगल वालों को दिल में दर्द होता है कि अच्छा बेटा, मुर्दों का कोई दुश्मन नहीं, तुम मुर्दा बन के रहो। अगर मुर्दा जा रहा है तो कोई गाली देता है? तुम क्या करना चाहते हो जीवन में, ये बात तुम्हारे साये को भी नहीं पता होना चाहिए। तुम अपने घर में, गांव में कुछ मत बताओ, तुम्हारा घर बड़ा सुकून से रहेगा। जय हिंद फ्रेंड्स। सपने कभी मत बताओ किसी को। तुम क्या करना चाहते हो जीवन में, ये बात तुम्हारे साये को भी नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि दुनिया एक चीज के लिए तैयार बैठी है, डिस्टर्ब करने के लिए। और दुनिया तैयार बैठी है तुम्हारे घर से लेकर बाहर तक सब, लेकिन दुनिया एक आदमी से नहीं उलझती, पागलों से। पागल बन के रहो, पागल बन के। क्या बनोगे जीवन में? डाकू बनेंगे, कोई तुमसे बात ही नहीं करेगा। छत पे बैठे हो, कोई किताब लिया, उसका एक एक पन्ना फाड़ के हवाई जहाज बना के उड़ा रहे हो। तुमको कोई छेड़ेगा ही नहीं मोहल्ले में, रिश्तेदारी में, गांव में, कह रहे डिस्टर्ब है साहब। हर जगह नेता बनने की जरूरत नहीं है। शादी में गए हो, बोले जा रहे हो, इंडिया के राजनीति पर बता रहे हो, पॉलिटिक्स, हर आदमी तुम्हें देख रहा है, चौबे जी का लौंडा बहुत पड़ रहा है। इस दुनिया में हर आदमी तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए बैठा हुआ है, और जब तुम कुछ करना शुरू करोगे ना, तो ऐसी ऐसी कहानियां तुम्हारे बारे में, मेरे बारे में तो उड़ाई नहीं गई, सब सही है। मेरे बारे में जितनी कहानियां बताई गई वो सब सही है, तुम्हारे बारे में उड़ाई जाएंगी। तुम कभी, बहुत लोग बहुत दुखी होते हैं कि यार हमने ये तो जीवन में नहीं किया। हाँ, तो इसीलिए तो कहा जा रहा है मैंने तो किया। मेरे दोस्तों को, जब मेरे साथ क्लासमेट वगैरह हैं और जो लोग साथ रहे हैं कभी किसी जमाने में और जिन्होंने मुझे देखा है, जलते हुए, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे लगे गाना गाने। तो लोग हमसे पूछने लगे कि वो ऐसे कह रहे थे, सही कह रहे थे। तुम इज्जत की चिंता मत करो, तुम अपनी यूटिलिटी की चिंता करो। तुम अगर लोगों के काम के हो, सब तुमको इज्जत देंगे। नियम है ये, तुलसी के पौधे को भगवान और कैक्टस के पौधे को शैतान माना जाता है। रीजन क्या है? तुलसी का पौधा दवा है, कैंसर तक की दवा बनती है उससे। पीपल का पौधा भगवान, बृहस्पति का, बृहस्पति ग्रह का सूचक, क्योंकि रात और दिन दोनों समय ऑक्सीजन रिलीज करता है, यूटिलिटी है। आज भी गांव में तुम जाओ, लोग पीपल का पेड़ नहीं कटने देते, कहते इस पे ब्रह्म का वास है। नीम औषधि है, आज भी गांव में लोग नीम के पेड़ पे जल चढ़ाते हैं। अंग्रेज आए, वो तुम्हारे ऊपर हंसी उड़ाने लगे, तुम डर गए कि अरे यार, हम यार पागल है, पेड़ पे जल चढ़ाते। तुमको एक आदमी पेन देता है, तुम थैंक यू बोलते हो। पेड़ शिव का रूप है, शिव कौन? जो जहर पी ले, मतलब CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, और जो अमृत दे दे, यानी ऑक्सीजन। तभी तो पीपल के पेड़ के नीचे शिव के रूप में पत्थर रखा जाता है कि ये तुम्हारे जहर को पी रहा है और तुम्हें अमृत दे रहा है। पश्चिम के लोग आकर तुम्हारे ऊपर हंसने लगे, ये तुम नादानी में तुमने पीपल पेड़ ही जलाना छोड़ दिया। पेड़ लगाओ खूब, वो भगवान का रूप है, वो तुम्हारे जहर को पी लेते हैं। अपने बर्थडे पर 5 पेड़ लगाया करो, एक लगा दो यार। बर्थडे केक मत काटा करो, केक भी काट के मुंह पे लगा देते हो तुम। अरे हम तो निकाल लिए राइफल के, मार के एकदम मुंह पे लगाओगे, खाने की चीज है तो मुंह पे केक लगाओगे, मार देंगे, ट्रांसफर हो जाएगा तुरंत। पहले तो केक काटना नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा नहीं, इतना कभी भी कंजर्वेटिव नहीं होना चाहिए। अब कोई प्रेम में ले आया, अब तुमको हम केक ना काटे, हम भारत के आदमी है, केक काटो, लेकिन मुंह पे लगाए तो फिर और कुछ काट डालो।
अबे मुंह पे क्यों लगाओगे, मुंह पे केक लगाने वाली चीज है। और फिर आजकल एक नई प्रथा चली है मारने की, पागल हो गए लो, ये कौन सी खुशी मना रहे हो तुम, अरे एंजॉइंग, पागल हो गए एंजॉइंग, पत्थरों तर रखो घर में, एक मोरन निकाल के मारा खींचे, उल्टी सीधी प्रथाओं का विरोध करो। पता नहीं कौन कह दिया, यह देख कर सीखना, अपनी सपने किसी को मत बताओ, अपनी महत्वाकांक्षा किसी को मत बताओ, बताओ ही मत, मस्त रहो अपने में। सूरज सुबह नॉक थोड़ी करता है, जब वो चमकता है तो दुनिया खुद ही उसकी तरफ देखती है। अब जब तुम्हारी शादी हुई या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है या तुम्हारा कोई बहुत पक्का दोस्त है, अच्छी चीजों को कभी समाज में एक्सपोज मत करो। शादी हुई, अब आमतौर पर लोग एक दूसरे को प्रेम दिखाते हैं, एक ग्लास में दो स्ट्रॉ डाल के पी रहे हैं, अगल बगल वालों को दिल में दर्द होता है कि अच्छा बेटा तुम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो ना उसको सबसे ज्यादा विरोध करो पब्लिकली, तुमको कोई नहीं भड़काएगा। कुछ चीजों को कभी शो मत करना, शो करके मत करना, ध्यान शो करके मत करना, पढ़ाई शो करके मत करना, प्रेम शो मत करना, समाज को बर्दाश्त ही नहीं होता। अभी तुम 10 घंटा पढ़ो, अगल बगल वाले अंडरस्ट में आ जाएंगे अगर देख रहे हैं तो। इसीलिए शमशान के लिए इतनी कहानियां उड़ाई गई, क्योंकि ये जो हिंदुस्तानी ध्यानी थे तो जब ये ध्यानवान करते थे तो आम पब्लिक आके कोई कुत्ते की हड्डी फेंक गया, कोई पत्थर मार गया, तो फिर इन लोगों ने शमशान में बैठ के ध्यान करना शुरू किया। तो आप शमशान में की कहानियां बना दी, तुम्हारे रात में पायल की आवाज आती, और जो शमशान के केयर टेकर उनके बच्चे दिन रात वहीं रहते हैं उनको तो नहीं आती। चाहे मुसलमान शमशान हो चाहे हिंदू हो, उनका केयर टेकर फैमिली वहां रहती है ना। हमारा स्कूल है फातिमा स्कूल गोंडा में, तो हमारे स्कूल के जस्ट बगल में मुस्लिम कब्रिस्तान है, तो जो कब्रिस्तान के केयर टेकर थे उनके बच्चे उसी कब्रों पर खेलते थे। तुमने एक बार उस केयर टेकर से पूछा, मैंने कहा भाई साहब आपको डर नहीं लगता, बोला भैया डर तो जिंदा आदमी से लगता है, ये तो सब बेचारे मर गए। हर अच्छी चीज को बचाना पड़ता है। 7 साल कंपनी की अचीवमेंट पर्दे में किसी को पता ही नहीं चला। इसे पूछा गया कि ऐसा क्यों किया तुमने, इसने कहा मुझे डर था कि भारत के राजा कहीं फेडरेशन न बना ले, संघ, कहीं उनको हमारी उपलब्धि पता चले तो एकजुट ना हो जाए। प्रिकॉशन, क्यों किया उसने प्रिकॉशन, लिखो प्रिकॉशन। पहला प्रिकॉशन किससे, भारत के राजाओं से, कि उन्हें पता चले और वो संघ बना ले हमारे खिलाफ, तो ये बच्चा कैसे लड़ेगा, लड़ ही नहीं पाएगा। अब तुम गांव बता दिए माइस की तैयारी कर रहे हैं, और तुम्हारा जो गाय भैंस रखने का मड़ा है उसमें पड़ोसी ने आग लगवा दिया, और तुम्हारे पापा फोन किए कि यार किसी ने वो खैरानी फूंक दी यार, तो तुम वहां डिस्टर्ब हुए कि नहीं। तुम्हारे घर में एक भैंस है 80,000 रुपए की, गांव वालों ने खुलवा के बिकवा दिया, तुम अपने घर में गांव में कुछ मत बताओ, तुम्हारा घर बड़ा सुकून से रहेगा। हमारा एक स्टूडेंट है बनारस से, यादव है, तो जब उसका मेंस आया तो गांव में पटीदारी है ना, उसका दीवार ही गिरा दिए, कहे दीवार अभी अवैध जमीन पे बनी, उसके भाइयों को मारा भी सब, वो बेचारा भागा बनारस। मुर्दों का कोई दुश्मन नहीं, तुम मुर्दा बन के रहो। अगर मुर्दा जा रहा है तो कोई गाली देता है, मुर्दा बन के रहो, पता ना चले किसी को कि कर क्या रहे हो, गाना छोड़ दो। ये देखो यहां से सीखो, यही तो सिखा रहा है। तो उसने कहा मुझे पहला शक था कि भारत के राजा संघ बना लेंगे, और दूसरा उसने कहा कि ये जो यूरोपीय कंपनियां हैं ये हमारे खिलाफ हो जाएंगी। यूरोपियन कंपनीज, अगर फ्रांस को पता चलेगा, फ्रेंच कंपनी को, पोर्चुगीज कंपनी को, डच कंपनी को, कि हमने टेरिटरी इतनी बड़ी कब्जा कर ली,